Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss few aspects of phylum Neraria. It's chapter number 9 from 5th edition of Miller and Hale Zoology. और इसमें हम phylum Neraria के हवाले से body wall, उनके nematocyst और alternation of generation और polymorphism की discussion करेंगे. General characteristic की अगर बात करें तो phylum Neraria में radial और biradial symmetry जो है वो पाई जाती है, जबकि एक रेडियल सिमेट्री पेंटा रेडियल भी है जो हमें स्टारफिश या काइनोडर्म्स में नजर आती है, जबकि नाइडेरियंस में जो सिमेट्री मिलती है इट इज नोन एज रेडियल और यू कैन से बाय रेडियल सिमेट्री. डिप्लोब्लास्टिक है सारे ऑर्गेनिज्म, दे आर हैविंग टू बॉडी लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एट एम्ब्रियोनिक लेवल, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक सा मटीरियल नजर आता है, दैट इज मेसोग्लिया. और मेसोग्लिया याद रखिएगा एक नॉन सेलुलर लेयर है, अगर इसमें सेल्स मौजूद भी होंगे तो या तो वो एक्टोडर्मल होंगे या एंडोडर्मल. इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दैट इज दे आर हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर द इनलेट और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड एज वेल एज वॉटर. तो नर्वस सिस्टम इनमें डिफ्यूज टाइप का है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, एंड दे आर हैविंग स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज नीडोसाइट्स which are used in defense, feeding and attachment. That's why they are named as phylum Neraria. Aur cylindrates inko kaha jata hai cylindron ya inki body cavity ki wajah se. Jisse cylindron ka naam bhi dete hain. As far as the body wall is concerned, jab humne abhi characteristic mein discuss kiya, they are having diploblastic organization. That is, there are two layers. Ectoderm, jo baad mein develop ho jati hai epidermis mein, and endoderm, which is modified to form gastrodermis. ये येलो कलर में जो लेयर शो है यहाँ पे दैट इज गैस्ट्रोडर्मस, और आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मस है, जबकि इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक सा मटेरियल है दैट इज मेसोग्लिया. और मेसोग्लिया नॉन सेलुलर, जैसा कि पहले भी मैंशन किया, अगर इसमें कुछ सेल्स हैं तो एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल होंगे. अगर हम इनके स्टिंगिंग सेल्स की बात करें जो कि इसकी फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इनके टेंटिकल्स में एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट्स. ये पूरा स्ट्रक्चर नीडोसाइट है, और इसमें जो कलर प्रोजेक्टेड आउट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे और इधर इनवर्ट मौजूद है ब्लू कलर में, इट इज नेमेटोसिस्ट. देयर स्टिंगिंग सेल्स आर नीडोसाइट्स व्हिच प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, एंड दिस नेमेटोसिस्ट व्हिच आर यूज्ड फॉर अटैचमेंट defense as well as feeding. Actually, ये nematocyst nidocytes के अंदर enclosed होता है, जो blue color का structure है. लेकिन इनमें एक modified cilium है, nidocil. ये triggering structure के तौर पे act करता है कि जब भी इस nidocil को press किया जाएगा किसी भी stimulus के तहत, तो इसका nematocyst hollow thread के साथ बाहर project out कर जाएगा. और इसमें एक lid like operculum या covering मौजूद है जिसको cover किए रखती है. और नीडोसाइट के हवाले से बताया हुआ है कि याद रखिएगा नीडोसाइट इज अ मॉडिफाइड सीलियम एक्चुअली, जो कि यहाँ पर ट्रिगरिंग मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा. और ये स्ट्रक्चर एक दफा जब डिसलॉज जाता है बाहर प्रोजेक्ट आउट कर जाता है तो दोबारा इनवर्ड मूव नहीं करेगा, ये न्यू सेल्स या न्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे नाइडेरियंस को कॉन्टिन्यूसली साथ साथ. सो इट्स अबाउट देयर नेमेटोसिस्ट. Nematocyst को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, you know, it's, they are present the tentacles. Tentacles में इस outer layer में एक nidocyte structure को शो किया गया, उसका nucleus है बेस पे, और अंदर जो coiled structure पड़ा हुआ है इट इज nematocyst. ट्रिगर या nidocil जब कंप्रेस होगा, जब प्रेस किया जाएगा इसको, तो ये सारे का सारा जो hollow thread के साथ structure बेस पे मौजूद है nematocyst, ये project out करेगा और prey को पैरालाइज करने के लिए पॉइजनस सिक्रीशन भी रिलीज कर सकता है और उसको कैप्चर करने में भी असिस्ट करेगा. नेमेटोसिस्ट के हवाले से फर्दर अगर हम बात करें कि ऑलमोस्ट 30 काइंड्स ऑफ नेमेटोसिस्ट दे हैव बीन डिस्कवर्ड, और किसी एक इंडिविजुअल में 30 काइंड्स में से 6 टाइप्स के नेमेटोसिस्ट ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. दे आर यूज्ड इन फूड गैदरिंग, डिफेंस, or the spines have hollow tips that deliver paralyzing toxins. Other nematocysts, they contain unarmed tubes
they trap around the prey or substrate. Still other nematocysts, they have sticky secretions, जो कि encourage में help करेंगी. और जैसा कि पहले भी discuss किया, 6 or more nematocysts they can be found in one individual. ये इनके main structures हैं. ये एक mobile image से आप इनकी projection की जो video देख सकते, projection के हवाले से देख सकते हैं कि कैसे nematocyst को जब compress किया जाता है तो nematocyst project out करके किसी body के अंदर penetrate कर सकते हैं और stinging cause कर सकते हैं. नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. याद रखिएगा कि नाइजीरिया में कोई भी बॉडी फॉर्म किसी भी स्टेज पे ज़ोइड कहलाती है. एंड देयर आर टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स इन नाइजीरियंस. पोलियप जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आएंगे, नॉन मोटाइल होंगे और यूजुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. दे आर नॉन मोटाइल एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. जबकि मेड्यूसे अम्ब्रेला लाइक नजर आएंगे और ये मोटाइल फॉर्म्स हैं, मोटाइल ज़ोइड्स हैं एंड दे आर डाइशियस यूजुअली और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे. ये इन्वर्टेड बाउल लाइक शेप होगी, इनके टेंटिकल्स डाउनवर्ड प्रोजेक्ट आउट कर रहे होंगे एंड द मेसोग्लिया इज मोर अबंडेंट इन मेड्यूसे देन इन पोलियप, गिविंग द मेड्यूसे अ जेली लाइक अपीयरेंस जो कि पोलियप में कम नजर आती है. ये इनका लाइफ साइकिल डिस्क्राइब किया गया है कि बाज इंडिविजुअल्स में तो पोलियप स्टेज नजर आएगी सिर्फ, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में सिर्फ मेड्यूसे. लेकिन कुछ इंडिविजुअल दोनों तरह की स्टेजेस अपनी लाइफ में शो करते हैं एंड देयर इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन मोर देन वन फॉर्म्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे. दैट वाज फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइलम नाइजीरिया. नेक्स्ट डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.